हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और पॉजिटिव फील कर रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। करंटली आप कितने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर आपके मन में, और आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेम सेक्स के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो आप। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैं जो कार्ड्स यहाँ निकालूंगी वो आपके लिए होंगे, और जो कार्ड्स यहाँ निकालूंगी वो आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, अपने रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हो, क्या चाहते हो, और जो चाहते हो वो होगा या नहीं वो भी हम देखेंगे। चलो लेट्स पुल कार्ड्स फॉर यू, लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो, लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। द रनर, हार्ट ब्रोकन, हेल्दी चॉइसेस, पैशन। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग, व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच क्या है। ओके, कैमरा, बैकस्टैबिंग, डेथ, सेपरेशन। ओके, एंड जो बॉटम ऑफ द डेक में है वो है टेडी बेयर, जो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। चलो इन कार्ड्स को ना हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, ठीक है। सो आई विल बी यूजिंग दिस डेक टू क्लैरिफाई। चलिए देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मदद करें। ओम साई राम। वाई इज द रनर योर, आपकी एनर्जी में रनर की एनर्जी क्यों है, वाई इज रनर योर, क्यों है रनर यहाँ पर, इनसेपरेबल एंड डिसऑनेस्टी। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से भाग रहे हो या बच रहे हो, ठीक है। सी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ यू डोंट लव दिस पर्सन, यू डेफिनेटली लव दिस पर्सन, इसीलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि आप प्यार नहीं करते हो तो ये झूठ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो रीडिंग तो डेफिनेटली आप प्यार करते हो, फीलिंग्स है आपके अंदर, और ये जानते भी हो आप कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये मान लिया है आपने कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, हम बात ना करें फिर भी ख़त्म नहीं होगा। यू हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट, मतलब आप ये चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली है कि नहीं हम अलग नहीं हो सकते, या अपने दिल, आपके दिल ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है ऑलरेडी। और बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके रिश्ते में, हो सकता है इस पर्सन ने झूठ बोला हो, या कुछ ऐसा बिहेव किया हो, कुछ ऐसा बोला हो, कुछ ऐसा किया है इस पर्सन ने जो आपको लगता है कि फ़िलहाल तो आपको लगता है कि यार ये सुनने के बाद या ये फील करने के बाद आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, यू नो स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे बात मत करो, यू नो अंदर आपकी फीलिंग्स बहुत है, अंदर आपके प्यार बहुत है, लेकिन गुस्सा हो, आप नाराज़ हो एंड आप भाग रहे हो या बच रहे हो या रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग बिकॉज कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि आप पागल तो नहीं हो ना कि जिससे आप इतना प्यार करते हो उससे आप दूर भागोगे, कुछ ऐसा हुआ है, दैट इज़ वाई यू आर अवॉइडिंग, क्योंकि आपके अंदर एक डर पैदा कर दिया है इस पर्सन ने उनके एक्शंस ने, ठीक है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं उनको अभी फेस नहीं करना चाहते हो। दैट इज़ द फर्स्ट एनर्जी दैट आई एम सीइंग। कुछ झूठ हो सकता है, इस पर्सन ने कुछ झूठ बोला हो सकता है जो आपके सामने आ गया, या कुछ तो किया है, आई डोंट नो वॉट दिस इज़। अगर आप यू नो यू आर ओके विथ शेयरिंग, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी क्यों है, क्योंकि कुछ तो हुआ है जिससे आपका दिल टूटा है, आपका विश्वास टूटा है, आप सैड हो, यू आर सैड, यू आर नॉट हैप्पी, डे ड्रीमिंग एंड डैमेज। यस, देखो मैं बोल रही हूँ ना, आप बहुत सोचते हो, हो सकता है गुस्से में आप दोनों की कोई फ़ोटो थी जो आपने फाड़ दी, फेंक दी या तोड़ दी, कोई फ्रेम थी तो वो हो सकता है तोड़ दी आपने, क्योंकि उस उतना आप डिसअपॉइंट हुए हो। अगर सोचो आप किसी से कोई उम्मीद लगा रहे हो और वो टूट जाती है, और बहुत बुरी तरीके से टूटती है, तो आपके अंदर कुछ टूटता है,
ऐसे कुछ हुआ है, क्योंकि इट्स लाइक देखो आपके अंदर इस पर्सन को लेकर जो ओढ़ है, चाहत है, डिजायर है, वो कम बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि आप बहुत सोचते हो इस पर्सन के बारे में. चाहे आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन यू लव दिस पर्सन अ लॉट. आप बहुत मिस भी करते हो इस पर्सन को, लेकिन हर्ट हो, हर्ट तो आप हुए हो. और आपको ये भी बात पता है कि, या मे बी आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ ये भी हर्ट हुआ होगा मुझे हर्ट करने के बाद. ठीक है, मतलब दैट इज़ वॉट एटलीस्ट यू एक्सपेक्ट कि भाई मुझे हर्ट करके वो भी हर्ट हुआ होगा, क्योंकि आपके आपके दिमाग में ना आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, एंड आप वही चीज़ एक्सपेक्ट भी करते हो कि इंसान भी करता होगा. तो आपको ऐसा लग रहा है कि हर्ट हम दोनों हो रहे हैं. ओके, मुझे लगता है कि ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे. ब्रेकअप सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रही है. ओके, एंड आप तो हर्ट हो ही, लेकिन आपको फील होता है कि ये पर्सन भी हर्ट हो रहे हैं इस सिचुएशन से, एंड आप बहुत डीपली हर्ट हो. आप सिर्फ हर्ट नहीं हो, गहरी चोट लगी आपको किसी बात से. ओके, या इनके बिहेवियर से, या इनकी बातों से, या इनके एक्शन से. ओके, आप बहुत बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो. आपको कुछ और आपका ना, आपको कोई चीज़ पता चल जाती है ना, स्पेशली अगर कोई झूठ आपके सामने आ जाता है, आप अपना आपा खो देते हो. आप बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हो, जो कि नेचुरल है यार. मैं भी इस फेज से गई हूँ. मुझे भी एक टाइम था जहाँ पे ना, व्हेन आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विथ योर जीजू जी, जीजा जी, जो भी आपके जीजू है, जो मेरे हस्बैंड है, उनके साथ भी मेरी लाइफ में कैसा फेज आया था, वेर आई वॉज शैटर्ड, आई वॉज ब्रोकन, और मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कैसे बिहेव कर दिया. तब मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी. सो इट हैपन्स, मैं आप समझ सकती हूँ. और ब्रेकअप किसको पसंद आएगा, कौन मज़े करेगा? थोड़ी ना आप ब्रेकअप में जाके पार्टी करोगे. होते हैं कुछ लोग ऐसे जो ब्रेकअप में जाके पार्टी करते हैं, लेकिन नेचुरल जो हमारा टेंडेंसी होती है, वी गेट ब्रोकन, वी गेट सैड, राइट? सो या यू आर सैड. हेल्दी चॉइसेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें. डिवाइन वाइज हेल्दी चॉइसेस योर, मुझे लगता है आप ना, आप ना अपनी पूरी लाइफ से ही नाखुश दिख रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जब से आपके और इस पर्सन के बीच कोई भी प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, यू आर डिसअपॉइंटेड बाई योर सेल्फ. आप खुद को आईने में देख रहे हो, यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट यू, हाउ यू आर लुकिंग. मे बी आपने अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं करी, आपने अपनी हेल्थ की केयर नहीं करी. आपको ऐसा लगने लगा है भाई अभी मुझे खुद से प्यार करना है. अब आपने सोच लिया है कि अब भाड़ में गया सब, अब मुझे खुद से प्यार करना है. यू नो आई विल स्टार्ट ईटिंग, यू नो मैं डाइट करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, आई विल गो टू द जिम, आई विल गो टू दिस, आई विल डू दिस. सो कहीं ना कहीं आप पूरी लाइफ से ही नाखुश दिख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एंड दिस वॉट एवर जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में उसके वजह से. और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ना गलती कर दी इस इंसान से प्यार करके, मेरी तो गलती हो गई, मैंने तो यू नो आप खुद को कोस रहे हो. एंड यू वॉन्ट टू राइट योर रॉन्ग्स, आप खुद की गलतियों को सुधारना चाहते हो, आप खुद की गलतियों को सुधारना चाहते हो. क्या मैंने दो बार बोला एक ही चीज़? सॉरी फॉर दैट. सो डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं गलत थी कि मैंने इस इंसान को प्यार किया, या मैंने इसको चांस दिया, या मैंने इसको अपनी लाइफ में रखा या आने दिया या वट एवर. सो इट्स लाइक अब आप सही करना चाहते हो, स्पेशली अपने साथ. यू वॉन्ट टू लव योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू डू थिंग्स विच इज़ राइट फॉर यू. अब वो करना चाहते हो जो आपके लिए सही है. ओके, विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड. अगर आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, या खुद की हेल्थ की आप ज़्यादा फिक्र करने लगे हो, या वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग टू डू, डू इट, आपके अच्छे के लिए है. ठीक है, लेकिन कोसो मत खुद को, बस मैं इतना बोलूँगी. क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है ना, आपको उसको कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए. कितना ही सामने वाला बुरा बिहेव क्यों ना करे आपके साथ, यू शुड नेवर रिग्रेट योर लव, द लव दैट यू गिव गेव समवन एट सम पॉइंट इन लाइफ. पैशन की एनर्जी क्यों है? वाइज पैशन योर डिटैचमेंट. आप इनसे डिटैचमेंट ट्राई कर रहे हो. मे बी आप इनसे अपने आप को दूर रख रहे हो ताकि आप अपने आप को हील कर सको, ताकि आप अपना माइंड क्लियर कर सको, आप अपने आप को शांत कर सको जो भी हुआ है, जो भी चल रहा है उससे. ठीक है, आप डिटैचमेंट ट्राई कर रहे हो, आप इनसे दूर रह रहे हो, बट स्टिल यू आर मिसिंग दिस पर्सन लाइक एनीथिंग. आप छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर रहे हो, क्योंकि पैशन बहुत है आप दोनों के बीच में, स्पेशली आपके साइड से पैशन बहुत है. एंड इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया है. सो ये फीलिंग ऐसे ही नहीं आई है. यू लव दिस पर्सन बिकॉज उन्होंने भी आपको वो रीज़न दिया है प्यार करने का. एक टाइम ऐसा था जहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, एंड द पैशन वॉज क्रेजी. एंड यू, मुझे लगता है आप जितना अपने आप फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हो, जितना अपने आप को इनसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही आधार है.
उतना ही पैशन बढ़ रहा है, उतना ही स्पार्क फील हो रहा है, एंड यू मिस, यू नो यू मिस एवरीथिंग अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस पर्सन. यहाँ पे कैमरा की एनर्जी, अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है. वाइस कैमरा यो, वाइस कैमरा यो, क्यों है कैमरा यहाँ पे? जितना आप मिस कर रहे हो ना, ये पर्सन भी मिस कर रहे हैं आपको. रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ईगो, यस, ये पर्सन आपको आप बहुत मिस कर रहे हैं. ओके, पहले इनके पास रीजंस होते थे कि मेरे ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे फैमिली की, मेरी अपनी खुद, मेरा करियर है, मेरी भी तो इमोशनल नीड्स है, मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है. हमेशा आपको रीजंस दिए जाते थे, मेरा ये है, मेरा वो है, तुम ही नहीं हो मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ में मेरी फैमिली भी है, मेरे दोस्त भी है, ये है वो है, हमेशा आपको रीजंस दिए गए हैं, ठीक है. अपने ईगो को पहले रखा गया है. अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि वो कितने गलत थे, क्योंकि अब मिस करने लगे ना आपको. अब आपका प्यार याद आ रहा है, अब आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा है, आपके साथ छोटी छोटी बातें जो शेयर करते थे. इनको प्रॉब्लम होती थी ना, आप सबसे पहले इनको मदद करते थे, अब नहीं मदद कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप उनको मेंटली सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे. अब वो सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही है कि यार ये सारी चीज़ें जो है ना, ये काम नहीं आएगी, प्यार काम आएगा. ये इंसान, यू नो, इसका प्यार ही था जो मुझे, वो प्यार उन्हें कहीं नहीं मिल पा रहा है जो प्यार आपने उन्हें दिया. बहुत कुछ सीखे है वो अपनी गलतियों से, अपने पास्ट से, और वो आपके साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ता कायम रखना चाहते हैं और मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं. हो सकता है इस पर्सन को आपकी फ़ोटोज़ खींचनी पसंद हो, या ये कैमरा चलाना बहुत अच्छे से जानते हो, या समथिंग अबाउट द कैमरा, क्योंकि कैमरा आया है यहाँ पे, ठीक है. बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी आपको, लेकिन समथिंग अबाउट द कैमरा, मे बी आपके बहुत फ़ोटो खींचते थे, या इनको फ़ोटो खींचना बहुत पसंद है, या ये कैमरा फील्ड से है, फोटोग्राफी करते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. बैक स्टैबिंग की एनर्जी क्यों है? बैक स्टैबिंग की एनर्जी क्यों है? सीक्रेट्स मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पर्सन से गुस्सा हो, नाराज हो, वो एकदम जायज़ है, क्योंकि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपका दिल तोड़ा है, आपसे कुछ छुपाया है हो सकता है, या आपको चीट किया हो सकता है, कुछ झूठ बोले हो सकते हैं, और वो एकदम शॉकिंगली आपके सामने चीज़ें आई है, जिसके वजह से ही आपका ये रिस्पॉन्स है कि आप नाराज़ हो, गुस्सा हो बहुत ज़्यादा. तो मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं दे रही, बस मैं इतना कह रही हूँ आप खुद के ऊपर डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, ठीक है. क्योंकि कुछ सीक्रेट्स अभी भी हैं जो आपके सामने नहीं आए हैं, और वक्त के साथ वो सामने आ सकते हैं. और अब वो ना उन सीक्रेट्स को सीक्रेट नहीं रखना चाहते, और उन सीक्रेट्स के वजह से आपसे भागना नहीं चाहते. दे वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विथ यू अभी 100%, क्योंकि दर्द उन्हें भी हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है ना, वैसे उन्हें भी दर्द हो रहा है, उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, वो भी पेन में है, वो भी दुखी है सेपरेशन से, वो भी खुश नहीं है, ठीक है. तो ये बहुत बड़ा एक सबूत हुआ कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, और जो भी थोड़ा बहुत और छुपाया होगा इन्होंने, वो आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, वो सच बता देंगे आपको, डोंट वरी, सीक्रेट्स आर गोइंग टू बी रिवील्ड. अब ये भागेंगे नहीं सच बताने से, ठीक है. अब वो आपसे भागना भी नहीं चाहते, और कुछ चीज़ हाइड भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जितना दर्द आपको होता है उतना उन्हें भी हो रहा है इस पूरी सिचुएशन से, ब्रेकअप से, सेपरेशन से. डेथ की एनर्जी क्यों है? वाइज डेथ हियर, क्यों है डेथ यहाँ पे? रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आप दोनों का अभी फ़िलहाल तो ब्रेकअप ही चल रहा है मुझे लगता है, और इस पर्सन के अंदर अभी डर पैदा हो रहा है कि कहीं सब ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो वापस मुझे कभी मौका ही नहीं देगी, इट इज़ ओवर. डर बहुत देख रहे हो मैं इनके अंदर, रिश्ते को ख़त्म होते हुए नहीं देख सकते. ओके, देखो एक चीज़ तो है, इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप दोनों बहुत अलग हो. वो समझ रहे हैं कि आप जो बोलते हो, जो एक्सपेक्टेशंस होती है आपकी, वो कितनी जायज़ एक्सपेक्टेशंस है. ओके, मे बी ये पर्सन ना आपको कभी भी, मतलब बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे पास्ट में, कि ठीक है ना, इतनी क्या बड़ी बात हो गई, ठीक है मैंने दो चीज़ें छुपा ली तुमसे, ठीक है मैंने ये नहीं किया, ठीक है मैंने वो नहीं किया. लेकिन वो चीज़ें आपको कितनी अफेक्ट करती थी, क्योंकि आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, आप प्यार करते हो तो दिल से करते हो, एंड उनको लगता था इट इज़ नॉट अ बिग डील. लेकिन अब उन्हें समझ रहे कि नहीं यार, उसके लिए वो बिग डील हो सकती है. वो अगर चिढ़ी हुई है, गुस्सा है, नाराज़ है, या वो मुझसे रूठा हुआ है, वो उसके लिए बिग डील थी, मेरे लिए नहीं थी मे बी, क्योंकि हम अलग हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग है. तो वो समझ रहे हैं अब उन्हें हाँ ठीक है, अब उन्हें अपनी गलती तो समझ रही है, लेकिन उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्या अब हमारा ब्रेकअप, मतलब देयर इज़ नो चांस ओनली,
कि हम लोग एक हो सकते हैं। उन्हें बहुत डर लग रहा है, वो बहुत सवालों में घिरे हुए हैं एंड अब उन्हें ना एक रास्ता नहीं मिल रहा है, सही रास्ता नहीं मिल रहा है इस पूरी सिचुएशन में। ओके, वाई सेपरेशन कार्ड हियर, क्यों है सेपरेशन यहाँ पे, क्यों है सेपरेशन? डिसएग्रीमेंट्स एंड हैबिट्स, मैं बोल रही हूँ ना कि इस पर्सन को कि कुछ ऐसी आदतें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने करी है या करते हैं जिसके वजह से आज आप लोग सेपरेटेड हो। ओके, एंड इस सेपरेशन से वो भी उतने ही दुखी है जितने आप हो, और उन्हें वो भी समझ में आ रहा है कि मेरी ही कुछ आदतें हैं या मेरे ही कुछ, मेरे अंदर ही ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हम दोनों अलग हैं, या वो दुखी है या उसका दिल टूटा है तो वो मेरे वजह से है, मेरी गलतियों की वजह से, मेरी आदतों की वजह से है। ओके, तो उनके अंदर ना सडनली बहुत सारे इमोशंस फिल उनके अंदर भरे हुए हैं अभी, गुस्सा भी हो रहे हैं, सैड भी है, कड़वाहट भी है, मिस भी कर रहे हैं आपको, सोच भी रहे हैं आपके बारे में, और अभी फ्यूचर को लेकर उनके अंदर डर भी है, उनके अंदर क्वेश्चन मार्क है कि क्या अभी आप उन्हें मौका दोगे, क्या अब आपका ट्रस्ट वो जीत पाएंगे, क्या वो सच में खुद को सुधार पाएंगे आपके लिए, राइट? तो बहुत सारे सवाल है, बट वो ना चाहते हैं कि आप उन्हें समझो। ठीक है, उनमें बहुत सारी गलतियां हैं, वो गलत है, वो ऐसे ही है, वो वैसे है, लेकिन वो चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे समझो यार, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। क्यों समझोगे यार, स्पेशली जहाँ ना मुझे ना झूठ से भी, मुझे सच में, मुझे, मैं पर्सनली बात करूँ, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जब कोई रिलेशनशिप में झूठ बोलता है ना, इट इज़ लाइक मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ कि तुम मुझे सच बता सको। मतलब झूठ इज़ समथिंग आई रियली डोंट लाइक, एंड जब कोई झूठ बोलता है ना रिलेशनशिप में, छुपाता है चीज़ें, मुझे सच में पसंद नहीं है। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी यू नो बिफोर मैरिज देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इश्यूज बहुत थी, लेकिन वी ओवरकम इट, और अभी तो टच वुड यू नो अंडरस्टैंडिंग बहुत है हम दोनों में। तो इट्स लाइक ये ओवर द टाइम बिल्ड होगा, डोंट वरी, आप इतने हार्श मत हो जाओ अपने पर्सन पे। एंड में जाके देखो आपका डिसीजन है, क्योंकि हर्ट आप हुए हो, आपको ही पता आपको क्या फील हो रहा है, लेकिन मैं बस ये बोलूँगी योर पर्सन इज सच में गिल्टी एंड वो बोलेंगे सॉरी, वो ऑनेस्टली अपनी सारी बातें रखेंगे आपके सामने, जस्ट गिव देम टाइम। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आप तुरंत बात करो इनसे, लेकिन अगर वो सॉरी बोलते हैं गिव देम टाइम, अंडरस्टैंड देम, ठीक है, क्योंकि फिक्स करना चाहते हैं रिश्ते को, आप दोनों फिक्स करना चाहते हो, लेकिन इनकी फीलिंग ज़्यादा है फिक्स करने वाली, आप थोड़ा सा डाइसी हो, आप अभी ट्रस्ट नहीं करोगे इतनी आसानी से। ओके, सो यहाँ चलो आगे बढ़ते हैं और लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, तो वो बोल रहे हैं भले ही अभी हम दोनों साथ नहीं हैं, बट मैं तुम्हें लेट गो कर नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं तुम्हें जाते हुए देख सकता। डोंट बी सो इनसिक्योर। तो देखो मैंने बोला ना, इनके अंदर वो थाट, वो फीलिंग है कि प्लीज़ मुझे समझो ना, यू नो ठीक है मैंने झूठ बोला, लेकिन अंडरस्टैंड मी वाई। वो अभी भी चाहते हैं कि आप इनसिक्योर ना हो, अगर आपको कुछ पता चला है उनके बारे में स्पेशली तो। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, तो ये चाहते हैं आपसे प्यार करना, आपको प्यार दिखाना। आई टोल्ड माई फैमिली एंड अबाउट यू, तो हो सकता है इन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी से आपके बारे में बताया हो। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू, तो जैसी डिज़ायर इनको आपकी है किसी और की नहीं है। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, मैंने बोला ना यहाँ पे फैमिली आया था लेकिन मैंने फ्रेंड्स भी बोला, सो दिस वॉज माई इंट्यूशन विच इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स को भी इन्होंने बताया आपके बारे में। एन नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, कुछ और मैटर नहीं करता तुम्हारे सिवा। आई विल नेवर लव यू, लव अनदर लाइक आई लव यू, तो ये किसी और से इस तरह से प्यार नहीं कर पाएंगे जैसा प्यार इन्होंने आपसे किया है। आई हैव सो मच टू से टू यू, मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए या कहने के लिए तुमसे। यू आर परफेक्ट फॉर मी, तो तुम इनके लिए परफेक्ट हो। यू आर टू गुड फॉर मी, कभी कभी इनको लगता है कि आप इनके लिए टू गुड हो। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, तो ये वक्त चाहते हैं आपसे, कमिटमेंट चाहते हैं। और लास्ट कार्ड है आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, तो बहुत ट्राई करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, स्पेशली जब दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है तो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आई वॉन्ट टू रीगेन, मैंने बोला ना यहाँ पे आप दोनों के बीच में मेजर ट्रस्ट इशूज़ है किसी चीज़ को लेकर, जिससे ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं वापस। चलिए आपके लिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, वॉट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू, कुछ तो एडवाइस होगा ना डिवाइन की तरफ से आपके लिए, वो क्या है वो देख लेते हैं। ओके डिवाइन प्लीज़ बताए, साईराम प्लीज़ बताए कि हमारे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है, हमारे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। सुप्रीम पावर प्लीज़ बताएं क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर के लिए इस वक्त।
मदर फादर गॉड, ओके, देखो सब कुछ भगवान है, उनके ऊपर छोड़ दो, उनके ऊपर ट्रस्ट करो, एक कनेक्शन बिल्ड करो। अगर है ऑलरेडी कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ, तो ये समझ लो कि वो आपके मदर भी है, वो आपके पिता भी है, वो आपके माता भी है, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। स्ट्रांग बनाओ अपने कनेक्शन को उनके साथ, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन काम करता है अगर आप उसको पॉजिटिविटी के साथ करते हो, पूरा ट्रस्ट करके अगर आप करते हो तो वो काम करता है। तो इस रिश्ते को अगर आप ठीक करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करो। एंड लास्ट मैसेज है कट द कॉर्ड्स। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कट द कॉर्ड्स इज नॉट अबाउट कटिंग कॉर्ड्स विद दिस पर्सन, इट इज़ कटिंग कॉर्ड्स विद द पास्ट। जो भी पास्ट में हुआ है छोड़ दो, ठीक है, हो गया, होता है, गलती उनसे हुई, आपके ऊपर है एंड रिजल्ट क्या है, कि आप उनको माफ़ करना चाहते हो या नहीं, बट एटलीस्ट पास्ट पास्ट को इतना हावी मत होने दो प्रेजेंट पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, तो ब्लेसिंग्स आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, उसको ग्रैप करने के लिए रेडी रहो। अगर आप रिसेंटमेंट में रहोगे, गुस्से में रहोगे, तो ये ब्लेसिंग्स आकर चली जाएगी, ठीक है। सो बी रेडी टू ग्रैप दीज ब्लेसिंग्स, ओके। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उसको ध्यान रखिएगा, फॉलो करिएगा। See you in next video. Bye.